नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। हम खड़े हैं नीमच शहर के चौकन्ना बालाजी से स्टेशन रोड का जो सड़क जो है निर्माण अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था। यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद सहित रहवासी साथ में इनसे बात करेंगे कब सड़क बनी थी, वर्तमान में क्या हालत है। योगेश जी, अभी आप मौके पर आए हैं, क्या मामला है, क्या और किस बात को लेकर यहाँ पर नगर पालिका काम रुकवाया गया है? ये जो रोड है ये अभी कुछ ही माह पहले यहाँ पे बना था। नगर पालिका ने बड़े जतन से यहाँ पे इतने गड्ढे थे उसके बाद रोड बनवाया, और रोड बने हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए जबकि 3 साल की रोडों की गारंटी होती है। यहाँ के रहवासियों ने फोन लगा के बताया कि ना भैया यहाँ पे आके देखो कि रोड को जो गिट्टी भरनी चाहिए रोड खत्म हो चुका है 1.5 महीने में, और उसमें गिट्टी भरने की जगह मरम्मत कर रहे तो मिट्टी भर के कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर डामर कर रहे हैं। क्या लग रहा है निर्माण किस एक गुणवत्ता के साथ करने का जो दावा करता है वो क्या हकीकत क्या है? पूरा भ्रष्टाचार चालू हो चुका है। नगर पालिका को बने हुए 1 महीना नहीं हुआ, उससे पहले इन्होंने डामरीकरण के नाम से किस तरह से मरम्मत कर रहे हैं आपके सामने है कि यहाँ पे मिट्टी के ऊपर डामर कर रहे हैं। अध्यक्ष एक्शन मोड का बात कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों में क्यों नहीं एक्शन मोड दिखाई दे रहा? अध्यक्ष जी सिर्फ भाषण और निर्देश देती है, अध्यक्ष जी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि कर सके। वो सिर्फ दिखावटी काम ज्यादा रहता है, वो अखबारों में सिर्फ भाषण वो देते हैं, निर्देश देते हैं कि हमने कर दिया वो कर दिया। आप देखेंगे जिस दिन से निर्देश देना चालू किया उसके ऊपर एक भी अमल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। अभी वर्तमान अधिकारियों से बात हुई क्या, ऐसे काम तो रुक चुका है मौके पर? काम हमने आके सीएमओ को फोन लगाया और सीएमओ और इंजीनियर को फोन लगाया, इंजीनियर ने फोन नहीं उठाया तो मैंने सीएमओ को फोन लगाया और मैंने बोला मैं धरने में बैठ रहा हूँ, यहाँ पे अनशन में बैठ रहा हूँ और किस तरह से घटिया काम हो रहा है आप आके देखिए। तो सीएमओ ने तुरंत इंजीनियर को निर्देश दिए और उसको ठेकेदार को मना करा है काम बंद करा जाए। यहाँ पे कुछ लोग नहीं भैया, कहाँ के रहने वाले? यही रहते हैं साहब 35 साल। रोड कब बना था सड़क? ये 1.5 महीने पहले बनी है, 1.5 महीने। अभी वर्तमान में क्या हालत है सड़क? हालत तो ये है आपके सामने देखो ना, कीचड़ निकलता है, खड्डे खोदे, सुबह आया था सफाई कर गया और इसमें जो है ये कच्चा माल डाल के जा रहे थे। क्या विकास के दावों की सच्चाई यही है? क्या यही सच्चाई है? कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे। क्या लग रहा है सड़क बनाने का नगर पालिका दावा कर रही है लाखों करोड़ रुपए लगा? नगर पालिका के इंजीनियर की सबसे बड़ी जवाबदारी होती है वो आके देखे इसकी कित गुणवत्ता से बन रहा कि नहीं बन रहा, उस गुणवत्ता से ठेकेदार से काम करा। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष भी क्या करेगा, एक काम तो नगर पालिका के इंजीनियर का है ना। लेकिन अगर लापरवाही से काम हो रहा है तो उसको दंड दे, उसको निर्देश करें। किसको? नगर पालिका इंजीनियर को। वो आए यहाँ खड़ा रह के वैसा रोड बनवाए व्यवस्थित तरीके से बनवाए, घटिया काम वालों पर लगा उस घटिया काम को अच्छे तो पंखे में कूलर में एसी में बैठे रहते हैं और यहाँ आके आदर्श दे के चले जाते हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। भैया कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने। सड़क को लेकर क्या करेंगे, गुणवत्ता कैसी है? सही बात, नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, इंजीनियर की घटिया है अच्छी है? घटिया है तो बिल्कुल। क्या ये देखो ना, ये कैमरा दिखा इधर, अपने साथ में ब्रजेश जी भी साथ में। ब्रजेश जी बताइए, एक तरफ विकास के दावे हो रहे थे, तस्वीरें ऐसी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा इसमें कि भाजपा है कांग्रेस का है, कुल मिला के अधिकारी इंजीनियरों को सबको ध्यान देना चाहिए। शहर की जनता पढ़ी लिखी है, नीमच का हृदय है मंडी, यहाँ समझदार अच्छे लोग रहते हैं, उनको आप चूतिया नहीं बना सकते हो। क्या पूरे मार्ग की हालत यही है? क्या पूरे क्या पूरे नीमच की हालत यही है? नीमच की हालत यही है। यहाँ पे कितने लोग निकलते काका लगभग? यहाँ से कम से कम 25,000 से 30,000 आदमी, राजस्थान और के लोग और मंडी के लोग इधर से निकलते हैं। ये मेन रोड है, शासन के पैसों का दुरुपयोग 100% दुरुपयोग। दुरुपयोग बताऊं मैं, अभी इसमें से जो माल अभी 1 महीने पहले बनाया था ना उसका मटेरियल ये निकाला, देखो आप ये निकला, अब इसमें कुछ भी नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है ना किसी के शासन कार्य में। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस आंदोलन करेगी, इसका आंदोलन करेगी। क्या लगता क्या है, कब सुनवाई होगी, क्या लगेगा वर्तमान आंदोलन पार्टी लेवल पे? हम तो व्यापारी के नाते, व्यापारी के नाते, आम शहरवासी के नाते आपसे भी चर्चा करें। हमारा ये उद्देश्य है अच्छी सुविधा मिले, अच्छा समझदार वोट बैठा हुआ है नगर पालिका का, वो समझदारी से अपना अनुभव से इस चीज को, इस शहर को, इस रोड को सजा दे और एक बार अच्छा व्यवस्थित काम करवा दे ताकि आम पब्लिक को तकलीफ ना हो। योगेश जी बताइए, आप क्या मामले में पूरे ट्रैक्टर भी वापस जा रहा है? जनता ने तो बता दिया, लेकिन नगर पालिका को इतना टैक्स देती है कि झोली भर भर के टैक्स देती है, लाखों रुपए का इनसे टैक्स लिया जाता है और ऐसा घटिया निर्माण करके मतलब इनके टैक्सों को पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार लिप्त रहता है, इस कारण बेचारे जो जनता टैक्स भरती है उसका इस तरह दुरुपयोग होता है। आपके सामने देखिए, जब हमने अगर अधिकारी आए या नहीं आए मौके पर? अभी अधिकारी वो जब मैंने सीएमओ को फोन लगाया तो इंजीनियर इसमें मिला हुआ रहता है, सब सीएमओ वगैरह सब मिले रहते हैं। हमने आके इसकी जांच पड़ताल करी और इसमें जब घटिया निर्माण पाया गया तो सीएमओ ने इंजीनियर को निर्देश दिया और इंजीनियर ने ट्रैक्टर रवाना किया कि घटिया निर्माण हो रहा, तो हम लिपापोती की जा रही है। वो हम नहीं आते तो ये रोड बन चुका होता। कुल मिला के लिपापोती
सिर्फ दिखावटी काम कर रहा था, लिपापोती हो रही है। देखना ये होगा भाजपा में अध्यक्ष पद का ताज स्वाति गौरव चोपड़ा के हाथ में, वो एक्शन मोड की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें दिखाई दे रही। यहाँ के रहवासी भी हमारे साथ में थे, जो यहाँ के व्यापारी, उन्होंने बताया किस प्रकार से गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सड़क की एक साल भी नहीं हुआ और पोल खोलती तस्वीरें दिखाई दे रही। हालांकि देखना ही होगा दावे जो विकास के किए जा रहे हैं परिषद में, उन पर क्या ऐसे दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी और इंजीनियर का मुख्य भूमिका होती है गुणवत्ता को लेकर, उनके खिलाफ भी स्वाति चोपड़ा क्या कार्रवाई करती है, या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले लगातार देखने को मिलते रहेंगे।